हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन किचन गार्डन। गाइस, आज मैं आपको ये नींबू के छिलके से एक बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी, जो आपके पौधे में एक तरह से जान फूंक देता है। इस नींबू के ये छिलका जो है, इसमें विटामिन, ज़बरदस्त विटामिन सी होती है, और आपको इसकी फर्टिलाइज़र से पौधे में बहुत तरह के कीड़े हो जाते हैं, जो उससे आपको, उससे भी हिफाजत होगा, उससे भी आपके पौधे में फ़ायदा होगा डालने से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मेरे घर में ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नींबू मंगा लेती हूँ। और ये देखिए, उसका निकाला हुआ ये रस है, जो मैं इसको निकाल करके एक बॉटल में करके सेव कर लेती हूँ। और इसको मैं, आप बहुत तरह की चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जैसे चाय में, या चिकन बनाते हैं उसमें, या फेस में, या आपके बाल ड्राई हो जाते हैं उसमें। मैंने अनगिनत इसके इस्तेमाल है, जो बयान नहीं हो सकता। और उसके जो वेस्ट रहते हैं, ये देखिए, जिसको फेंकना से अच्छा है कि आपके किचन में आपके पौधे जो आप लगाते हैं उसके लिए फर्टिलाइज़र बना लिया जाए, तो अच्छा है कि ज़ीरो कॉस्ट में ये आपका आराम से फेंकने से अच्छा है कि आप इसको फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों में डालें, ताकि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिले आपके पौधों के लिए। इसमें दोस्तों विटामिन सी होती है, जो आपके पौधों में एक तरह से जान फूंक देता है। और इसके जो फर्टिलाइज़र बनाइएगा, तो वो पौधों में डालने से आपको कीड़े की बहुत कम चांस रहती है कि आपके कीड़े उसमें पौधा में लगे। बहुत इससे भी बहुत प्रोटेक्ट होता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं आपको इसको बना करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे पौधे धीरे धीरे इसमें नींबू के छिलके डाल दिए जाता है। ये देखिए, इसको एक बहुत अच्छा तरीक़ा से, जब ये पूरे हल्का येलो कलर के, ये देखिए, ये पानी हो जाए, जो आपको लगे कि हाँ इसमें कलर निकल गया है, इसका पूरा जूस उसमें मिल गया है पानी में, तो आप इसको अच्छी तरीके से, कलर आने के बाद पहले खौला लीजिए इसको अच्छी तरीके से, और जब कलर आ जाए अच्छी तरीके से, तो एक कंटेनर में या किसी डब्बे में या बोतल में इसको सेव कीजिए। और ठंडा हो जाने के बाद आप एक बाल्टी पानी में एक जग, या आप जितना क्वांटिटी में आप इसमें डालें, इससे अगर आप ज़्यादा भी इससे हो जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको पौधों को कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डाल सकते हैं, लेकिन सामान के हिसाब से जितना लिमिट में ही डालें तो ठीक है। तो मैं इसको, ये देखिए, एक अच्छी फर्टिलाइज़र आपको बना के दिखाऊंगी, और मैं आपको इसमें पौधों में भी डाल करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका पूरी तरह से, ये देखिए इसकी कलर देखिए, पूरी तरह से कंप्लीट है ये फर्टिलाइज़र। ये देखिए, ये येलो कलर आप देख रहे हैं, ये येलो कलर हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा कंप्लीट है। तो आप इसको, आप किसी बर्तन में रख करके इसको पहले आप ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद एक बाल्टी पानी में मिला करके अपने पौधे में डालिए। मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगी, और फिर आप देखिए वो पौधे में किस तरह से ये फ़ायदा करता है। तो मैं आपको पौधे में डाल करके दिखाती हूँ। ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये वेस्ट है, इसको आप कंपोस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसको आप हटा दीजिए इस तरह से, इसको हटा दीजिए। ये लिक्विड बच गया, अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। ये देखिए,
और ये पानी शामिल करने के बाद धीरे धीरे सब अपने पौधे में डालूंगी। ये देखिए मेरा ये अमरूद का पेड़ है, इसका ग्रोथ देखिए, ये देखिए इसका ग्रोथ देखिए। और ये मेरा नींबू का पेड़ है, देखिए मैं इसमें भी फर्टिलाइज़र शामिल करूंगी। ये देखिए, और मैं और भी अपने पौधों में डाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी मेरा दूसरा नींबू का पौधा है। और मैं आपको, ये मेरा आम का पौधा है, ये देखिए इसका ग्रोथ देखिए, इसमें भी आपको मैं फर्टिलाइज़र शामिल करके दिखाती हूँ दोस्तों। और एक बात, जिस तरह से इसमें ये देखिए छोटे छोटे पौधा निकल गए हैं, इसको ध्यान रखिए इसको निकाल दिया कीजिए, क्योंकि ये मिट्टी का न्यूट्रिशन दे देते हैं, तो इसको इस तरह से निकाल दिया कीजिए। ये थोड़ा इसमें मिट्टी अच्छी होने की वजह से अनचाहा पौधा निकल जाता है, तो आप इसको इस तरह से निकाल करके साइड में रहने दीजिए, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा आपका और कंपोस्ट में बन जाएगा, ये शामिल हो जाएगा इसमें भी। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरा करे पत्ता का है, इसमें भी ये देखिए इस करे पत्ता का भी देखिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 महीना पुराना ही है, और इसका ग्रोथ देखिए। और ये मेरा गुलाब का पौधा है, आप फ्लावर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई सिस्टम है कि आप उसमें डालें उसमें ना डालें। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें फ्लावर होता है। ये देखिए, आइए मैं आपको और दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं इसमें भी फर्टिलाइज़र शामिल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो इस तरह से आप अपने, थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्तों, और आप अपने किचन वेस्ट से आराम से कंपोस्ट फर्टिलाइज़र कुछ भी आप इस्तेमाल करके अपने पौधों में जान डाल सकते हैं और उसको बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स भी देख के मुझे और क्या अच्छा आपको लगता है मेरा देख करके, क्या वीडियो मैं आपको दूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगी। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।